फेसबुक से ज्यादा पैसे कमाए या यूट्यूब से? हम फेसबुक से ज्यादा पैसे। और लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहता है हमको कि भैया मेरा फेसबुक पर फॉलोवर बने तो वीडियो कैसे देखेगा, तो वीडियो कैसे। हमारा फेसबुक पेज पर मात्र 80 फॉलोवर था, ध्यान दीजिए इस बात, गौर करें बड़े बात, 80 फॉलोवर था मेरा फेसबुक पेज पर, और वीडियो डाले शाम में 8 बजे रात में, और सुबह उठे उठ के देखे तो 4 लाख व्यूज था मेरा वीडियो। नहीं चलेगा आपका वीडियो, नहीं चलेगा आपका वीडियो, कितना बड़ा एकदम। सो गाइस देखिए, आप लोग बहुत करते रहते हैं कि फेसबुक पैसे नहीं देता है, तो मैं लाइव प्रूफ चल के 200-300 किलोमीटर चल के मैं आपको देखिए एक ऐसे क्रिएटर का घर दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, टोटल का टोटल फेसबुक के पैसे से इन्होंने अपना इतना बड़ा जो है सम्राट खड़ा किया है एक शहर में, एक गांव का ऐसे व्यक्ति जो कि गांव से आके अपने मेहनत और स्ट्रगल के दम पे जो कि है फेसबुक से इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। तो चलिए भैया से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं पूरा कि यूट्यूब पर और फेसबुक पर किस तरह से वीडियो को वायरल किया जाता है। तो देखिए यही है भैया विनय भारती, ठीक है? तो आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहुंच गला कम से कम यहाँ तक। हाँ, बहुत मुशक्कत से लियो है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत अच्छा लगले कि भाई पहुंचलखिन है, तो चला अच्छा आराम से बैठ के बात करेंगे। तो बैठ के पूरा डिटेल में भैया जो खुफिया ट्रिक होता है ना, बिल्कुल वो जान लेंगे, ठीक है? चलिए देखिए भैया के अभी एक तरह से स्टूडियो ही इसको बोल सकते हैं, हम लोग तो टेक भाषा में स्टूडियो ही बोलते हैं, जो कि इतना सारा पीछे आप रिवॉर्ड्स वगैरह देख रहे हैं, और इधर देखिए एक सिल्वर प्ले बटन भी है। हाँ, सिल्वर है ना भैया, और एक सिल्वर प्ले बटन उधर रखा हुआ है, ठीक है? दो सिल्वर, जो कि दो सिल्वर प्ले बटन है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर अभी हम भैया से एक्सपीरियंस पूछेंगे तो फेसबुक से ज्यादा पैसे कमाए या यूट्यूब से? हम फेसबुक से ज्यादा पैसा। देखिए फेसबुक से लोगों, काफी लोगों को ये लगता है कि फेसबुक से भाई अरे क्या मेहनत करना, फेसबुक से रिवेन्यू ही नहीं आता, लेकिन यूट्यूब से ज्यादा ऑडियंस किस पे है? फेसबुक पे। अच्छा, सबसे ज्यादा आपके वीडियो पे व्यूज किस पे गया, यूट्यूब पे या फेसबुक पे? फेसबुक पे। तब फिर अच्छा, हाँ, एक चीज और, काफी लोगों को लगता है कि यार यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं वायरल नहीं हो रहा है, तो अच्छा आप एकदम सीक्रेट बताइएगा कि एकदम दिल से कि फेसबुक पे सबसे पहले आपका वीडियो वायरल हुआ है यूट्यूब पे? हम वीडियो डाल रहे थे यूट्यूब पे, वायरल नहीं हुआ, फेसबुक से मेरा वीडियो वायरल हुआ। जिस समय मेरा वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पे, और लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहता है हमको कि भैया मेरा फेसबुक पर फॉलोवर बने तो वीडियो कैसे देखेगा, कौन है कैसे आएगा। हाँ, मेरा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर में तो वीडियो कैसे। हमारा फेसबुक पेज पर मात्र 80 फॉलोवर था, ध्यान हाँ, दीजिए इस बात, गौर करें बड़े बात, 80 फॉलोवर था मेरा फेसबुक पेज पर। हाँ, और वीडियो डाले शाम में 8 बजे रात में। हाँ, और सुबह उठे उठ के देखे तो 4 लाख व्यूज था मेरा वीडियो। सोचिए 80 फॉलोवर में 4 लाख व्यूज, रात भर में 4 लाख फॉलोवर था, सॉरी 4 लाख व्यूज गया, और 80 फॉलोवर था जो 8000 फॉलोवर हो गया था। अच्छा, ये लोग फेसबुक को बहुत हल्के में लेते, लगता है यार फेसबुक क्या है। फेसबुक कभी भी आपको वीडियो को रैंक दिलवा सकता है, जबकि यूट्यूब आपको रैंक जल्दी नहीं दिलवाएगा। हाँ, फेसबुक पे आपका अगर एक फॉलोवर भी है तो रैंक कर सकता है वीडियो, ठीक है? बिल्कुल रैंक करेगा फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज पर, ठीक है? तो देखिए इस चीज को तो सीख लिए, अब चलिए भैया से ट्रिक जान लेते हैं कि ये अपना वीडियो को किस प्रकार से वायरल किए हैं। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन मैं तो बताते रहता हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, इनके 4 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये अभी अच्छे खासे रिवेन्यू जो है फेसबुक से जनरेट कर रहे हैं, और इतना अच्छा खासा सेटअप देख रहे हैं, और मैंने आपको घर दिखा दिया। इधर अगर मैं प्रयास करूंगा तो आपको इधर पीसी भी दिखा देता हूं, जो कि भैया पीसी लगाए हुए हैं। अच्छा, ये पीसी जो है अपने पैसा से है कि फेसबुक यूट्यूब से पैसा सही करते हैं, तो सबका सपोर्ट है, और एक घर जो बना है डबल फ्लोर। अगर आपको है तो आप जाइएगा यूट्यूब फेसबुक पे सर्च मारिएगा विनय भारती, आपके सामने पूरा पेज आ जाएगा। अब चलिए भैया तो इतना ज्यादा ग्रो कर गए, अब इनसे इनका राज जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा कि जो ऑडियंस इस पे आ रहे हैं, आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, उनको सबसे पहले वीडियो बनाने के बारे में क्या सजेशन दीजिएगा? तो ये वीडियो लोग जो है ना कि बहुत सारा देखते हैं, कोई कहानी लिख दी, तो कहानी लिखते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा कहानी लिखे। हाँ, आपको लग रहा है कहानी अच्छा। हाँ, लेकिन हमको ये सोच के नहीं लिखना है कि हमको कहानी, सामाजिक लोग जुड़ते हैं, जानते हैं भैया, हमको बताते हैं बहुत। हाँ, सारे लोग भैया जानते हैं बहुत अच्छा। हाँ, वीडियो लिखे हैं, उसमें एगो बहन है, एगो भाई है, बहन को प्रताड़ित किया जाता है, नहीं चलेगा आपका वीडियो। हाँ, नहीं चलेगा आपका वीडियो, कितना बड़ा एकदम संदेश दीजिए ना, वीडियो में नहीं चलेगा। जब तक लोग जो है शुरुआती से इंटरेस्टिंग नहीं हुआ आपका वीडियो में नहीं चलेगा, आप कितना बड़ा मैसेज दे दीजिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब कि लोग सोचते हैं कि लास्ट में वीडियो की इंटरेस्टिंग नहीं, इन भैया का कहने का मतलब कि वीडियो को शुरुआती में इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि आपके ऑडियंस जो है वीडियो पे पकड़ मजबूत रहे। हम ये यही कर रहे हैं। हाँ, हम ये कर रहे हैं कि वीडियो को शुरुआत से आपको एंटरटेन देना है तो देना। हाँ, है, या फिर आपको वीडियो को ऐसा स्टार्टिंग करना है जो वीडियो का स्टार्टिंग लगे ना करे। हाँ,
जैसे कि आपको मार, जैसे कि आप सताने वाला है, आप ठीक है भाई बहन का प्रताड़ित वाला दे रहे हैं, तो प्रताड़ित आपका फेसबुक का वीडियो अगर वायरल करना है जानता है, तो आप किसी के बहन को प्रताड़ित किया जाता है डायरेक्ट वहां से वीडियो स्टार्ट किया जब उसका बहन को मार रहा है कोई। अच्छा, जिसे अब वीडियो है कि प्रताड़ित कर रहा है कि हमारे बहन दिखा रहा है कि बहन को प्रताड़ना करता है, भाई उसका जाता है, तो आप शुरू से कहानी लेके बैठ जाते हैं कि एक भाई है एक बहन है, बात होता है, प्यार होता है, फलना, ये सब नहीं देखना चाहता पब्लिक। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, प्रताड़ना दिखाना, मार रहा है उसको, थबाक थबाक दे रहा है, मारा तो छिपली गिर गया, थरिया गिर गया, ढना ढूंढ गया, स्टार्टिंग वहां से, स्टार्टिंग एकदम वहां से होना है, तड़कता फड़कता स्टार्टिंग। जब स्टार्टिंग होगा, अब वहां पे स्टार्टिंग तो हो गया, अब आएगा, अब बैठ जाएगा शांति से, अब क्यों मार रहा था, अभी रीजन दिखा सकते हैं। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे देखिए, वायरल करने का सही तरीका भैया एकदम बोले कि फेसबुक पर वीडियो वायरल कब होता है, जब आपके वीडियो पे शुरुआती में 1 मिनट व्यू ज्यादा होंगे, ठीक है, तब आपका वीडियो वायरल होगा। अब वो वायरल कैसे होगा, भैया ने बता दिया कि आपको लास्ट में बोर कीजिए ना, बोर करना है तो लास्ट में ऑडियंस को बोर कीजिए, सस्पेंस क्रिएट करके, लेकिन शुरू में ऐसा तड़कता भड़कता दिखाइए, मसाला लगा के क्लिक बेट कीजिए कि ले भैया आए तो हम एक बार वीडियो मेरे सामने आ जाए तो हम स्किप ना करें। अब देखिए, अरे भाई इसमें क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एक वीडियो बता रहे थे भैया कि उस पे 80 मिलियन व्यूज गया फेसबुक पे, क्या सस्पेंस क्रिएट किया था, सस्पेंस क्या था, एक लड़का आया था मेरे पास कुछ दिन पहले, उसका 80 मिलियन व्यूज चला गया था फेसबुक पर, और क्या था, कुछ नहीं था उसको, भले वीडियो वायरल हो गया था, क्या था, अब चार लड़का मरकरी ले खड़ा था, ऐसे है, आप हैं, और मान लीजिए ये मरकरी है, ऐसे आप पकड़े हुए, ऐसे हम पकड़े हुए हैं, और ऐसे मरकरी ले खड़ा है, आगे कोई बाइक से आ रहा है, बाइक से आ रहा है, लेकिन 5 मिनट तक हम खड़ा है और लोगों को साइड किया जा रहा है कि अब आगे बाइक आ गए, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बाइक कब जाए, अब कब मरकरी की तोड़े, लास्ट में तोड़ के निकल गया, नहीं सुनिए पहले, अब तोड़े, अब बाइक जो है थोड़ा सा पीछे ले रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा हो जाए, एक्सीलेटर थोड़ा देख देख रहा है, थोड़ा सा थोड़ा साइड रहना, फिर एक्सीलेटर मारा, थोड़ा सा ऐसे आ जाओ, थोड़ा सा मरकरी के ऊपर रखो, थोड़ा सा नीचे रखो, डाउन रखो, वैसे वो अप डाउन करते इधर उधर करते करते 5 मिनट ले लिया, और 6ठा मिनट में जब एक्सीलेटर देता है, और यहाँ मरकरी रखा हुआ है, आदमी टूटेगा नहीं मरकरी, तो ऐसे रखा हुआ है, अब बाइक हेडलाइट यहाँ है, मरकरी यहाँ है, बाइक जाएगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा, सिंपल है। तो 6 मिनट तुम क्या कर रहा था वहाँ पे, 6 मिनट सस्पेंड किया, क्रिएट किया, 6 मिनट तक लोग पिकल रहे, पब्लिक भागे नहीं, क्योंकि अब आएगा, अब करेगा, अब करेगा, मतलब वॉच टाइम इज देन मोर इम्पोर्टेंट। वो वीडियो वायरल हुआ, वायरल 80 मिलियन व्यूज गया उस वीडियो। एक ही वीडियो से चैनल मोनेटाइज, सब पेज व्यूज सब मोनेटाइज, फुल क्राइटेरिया पूरा। तो भाई पहला बात भैया सिखाएं, सस्पेंस क्रिएट करना है, दूसरा चीज सिखाएं, शुरू में ऐसा तड़कता भड़कता डालो, ऐसा मसाला दो कि मजा आ जाए। चलिए अब टाइटल पे आ जाते हैं, टाइटल किस तरह से लिखना चाहिए। फेसबुक पे ज्यादातर देखते हैं कि टाइटल ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप टाइटल में भी सस्पेंस क्रिएट कर, अच्छा, सकते, टाइटल में भी सस्पेंस क्रिएट करना है, गौर कीजिएगा, क्योंकि भैया इस चीज में 3 साल मेहनत किए हैं, और अच्छा खासा जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, अगर इनसे आप ज्ञान लेके जाते हैं और किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, विनय भारती सर्च कीजिएगा और जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अब चलिए अब बात आते हैं डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन भी मायने रखता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी हम वीडियो वायरल करवाए हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन भी मायने रखता है, टाइटल से ज्यादा मायने रखता है डिस्क्रिप्शन, टाइटल फेसबुक में नॉट वैल्यूड वो उतना, लेकिन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लोगों की सबसे पहली नजर जाती है, तो डिस्क्रिप्शन पर जाते हैं, टाइटल पर नहीं जाते, टाइटल जब देखता है लोग, जब वीडियो पर क्लिक करता है तब टाइटल नजर आता है। मतलब क्या हम डिस्क्रिप्शन को क्लिक बेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। दूसरा बात, टाइटल को क्लिक बेट, टैग फेसबुक में, जैसे क्या अब वीडियो हम कॉमेडी डाल रहे हैं, तो कॉमेडी डालते हैं, बटोरन चाचा ने आज ये कर दिया, बटोरन चाचा ने आए, अब लोग बटो क्या कर दिया, वो वीडियो बीच में है, वो देखना है, वो देखने के लिए पूरा देख रहे हैं, अब वीडियो कम तो उस चीज मायने रखता है, वायरल होता है। और सबसे बड़ी टैग है, तो टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो फेसबुक का एक कंडीशन है कि आप वीडियो खाली डालिए ना, व्यूज अपने आप खाली इसलिए जाएगा क्योंकि वीडियो कौन बढ़िया देख रहा है, फुल देख रहा है, उससे व्यूज आता है। अच्छा, एक चीज काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, हैशटैग के बारे में क्या ख्याल है आपका। हैशटैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि आपका इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपका वीडियो अगर इंटरेस्टिंग है तो आपका हैशटैग टाइटल डिस्क्रिप्शन कोई मायने रखता है, सिर्फ वीडियो मायने रखेगा। लेकिन अगर वीडियो में हल्का जान है और हल्का डिस्क्रिप्शन टाइटल भी मैनेज करते हैं, ठीक है, टैग्स भी लगा सकते हैं, हमें कहते हैं खराब है, लेकिन हम अधिकतर वीडियो में शुरुआती में कोई टैग्स नहीं लगाया था।
ना अभी भी लगाते हैं कभी कभी मूड होता है तभी नहीं भरते टैक्स लगाते हैं लेकिन नहीं भी लगाते। अच्छा एक चीज और जैसे काफी लोग होते हैं कि जैसा भी वीडियो बना दिए उसको ले ग्रुप में दन 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 ग्रुप में खुद से शेयर नहीं करना है लोग। हाँ अब दूसरा आईडी बनाए हुए हैं दूसरा मोबाइल है भाई का भोजाई का जो भी रहे तो उसके मोबाइल से आप दूसरा ग्रुप में अगर है तो शेयर करवा सकते हैं लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं। अपने मोबाइल से वीडियो शेयर बंद करो भाई बंद करो ये सब ठीक है। अगर लोगों को उस वीडियो में इंटरेस्ट होगा तो लोग आपकी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ठीक है। अच्छा भैया सब कुछ तो हो गया। अच्छा अभी आप फेसबुक से ज्यादा किससे यूट्यूब से या ज्यादा फेसबुक से अर्निंग है? देखिए अर्निंग अगर तो सब बात है कि अगर व्यूज फेसबुक पे ज्यादा जाएगा तो इनकम भी ज्यादा आएगा। फेसबुक पे हाईएस्ट व्यूज कितना गया है मेरा? एक वीडियो पे हाईएस्ट व्यू गया है 26 मिलियन 26-27 मिलियन व्यूज देख लीजिए। और फेसबुक यूट्यूब पे हाईएस्ट व्यूज यूट्यूब पे हाईएस्ट मिलियन गया है 1.2 मिलियन अप्रोक्स। देखिए तो इस बात का आप लोग भूल जाइए। आप लोग सोचते हैं कि YouTube पे रगड़ा रहे हैं रगड़ा रहे रगड़ा रहे भैया Facebook पे रगड़ा रगड़ाना है तो Facebook पे बहुत ज्यादा ऑडियंस है उस पर स्लाइड फीचर है दिन भर लोग Facebook पे टाइम पास करते रहते हैं। तो भैया YouTube की वीडियो को Facebook पे डालना स्टार्ट करो और Facebook से लाखों लाख मनी अर्न करो समझे। आप अभी तक से एज ए लाइफ में Facebook ज्यादा पैसा दिया आपको YouTube? हमें Facebook ज्यादा दिया है क्योंकि अच्छा। हम वही काम भी नहीं करना है जैसे YouTube जो वीडियो हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं उसी वीडियो को हम 1x1 का फॉर्मेट में बना करके Facebook पर डालते हैं क्योंकि Facebook का डिमांड 1x1 का ज्यादा होता है। अच्छा 1x1 एक चीज देखिए यहाँ पे फ्रेम जो वीडियो का फ्रेम होता है ना वो मैं एडिटिंग में सिखा दूंगा। चौखुट वीडियो रहना चाहिए उसके लिए चौखुट जब कीजिएगा तो काइन मास्टर वगैरह में एडिटर में दे देता है ऑप्शन ऊपर आप टाइटल वगैरह कुछ लिख सकते हैं तो वो सब वीडियो ज्यादा रैंक करने का चांसेस रहता है। अच्छा अभी आपका मंथली रिवेन्यू कितना आ जाता होगा? अच्छा खासा है बस इतना है कि अपना गुड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बाकी तो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में भी दिखा दिया। पॉपुलैरिटी के बारे में भूल गए पूछना भैया। रेगुलर देखिए हमारा कंटेंट है ना जो बहुत मेहनत लगता है उसमें हम 4-5 रोल करते हैं अकेले और अकेले करते हैं तो उसको स्क्रिप्ट लिखना फिर 4-5 कैरेक्टर को शूट करना अब सबसे बड़ी रिस्क आती है कि उसको मिक्स करना चारों पांच कैरेक्टर का। अब ये ना लगना चाहिए लोगों की सब अलग अलग मतलब एक ही इंसान है सब लगे कि सब अलग अलग है ऐसा एकदम बनाना कि तुरंत तुरंत फ्लैश बैक हो तुरंत उस पर जाए फोकस उस पे जाए फोकस ऐसा होना चाहिए। उस चीज को करने में हमको टाइम लग जाता है तो लगभग 15-20 दिन भी लग जाता है टाइम तो थोड़ा सा इसका असर मुझे देखने को मिला है। रेगुलरिटी खोजता है रेगुलरिटी नहीं रहने से क्या होता है कि हमारा व्यूज कभी एकदम डाउन हो जाता है कभी इनकम एकदम डाउन हो गया फिर चढ़ा फिर डाउन हुआ फिर इस अच्छा एक चीज ये भी सीख लीजिए अगर आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज है तो अप एंड डाउन देखने को मिलेगा चाहे आप जितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो। और लेकिन भैया तो एक चीज सीख लीजिए कि रेगुलरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रयास करो कि 3 दिन पे एक वीडियो दे रहे हो तो अगर आपसे पॉसिबल है तो 2 भाई किसी भी तरह से दो अगर 5 दिन पे देना है जिस प्रकार का आपका कंटेंट है उस प्रकार के आपको वीडियो देना पड़े।